प्रयोग किया जा रहा है, वाटर कैनन का जो प्रयोग किया गया है। सईद खान और आप देख रहे हैं हकीकत इंडियन टीवी। दोस्तों, आखिरकार तमाम बैरिकेटिंग के बावजूद आंसू गैस के गोले, कई जगह झड़पें भी की गई हैं और उनके ऊपर पानी की बौछारें की गई हैं। ऐसे कड़ाके की सर्दी में जहां लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, उन निहत्ते किसानों पे पानी की बौछार की गई। इन तमाम के बावजूद भी आखिरकार वो गड्ढे जो कल खोदे गए थे उनको पाटते हुए आज सुबह तक किसान दिल्ली बॉर्डर पहुँच गए। उनका कहना है कि हम बुराड़ी नहीं जाएंगे, हमने प्रोटेस्ट जंतर मंतर रामलीला ग्राउंड पर ही करना है। आखिरकार दिल्ली पुलिस ने उन्हें अंदर नहीं आने दिया और उन्होंने अपना जमावड़ा बॉर्डर पर ही जमा दिया। अब ये देखिए ये खूबसूरत नज़ारा, इससे भी खूबसूरत एक तस्वीर और मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो के जरिए। प्रयोग किया जा रहा है वाटर कैनन का जो प्रयोग किया गया है। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ चौथे दिन भी दिल्ली का घेराव करने पर किसान किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं है। पुलिस ने बुराड़ी स्थित निरंकारी मैदान में धरने के लिए जगह देने की पेशकश रखी थी, लेकिन किसानों ने उसे ठुकरा दिया। किसानों का कहना है कि उन्हें जंतर मंतर जाकर ही धरना देना है। फिलहाल किसान हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर बैठे हैं। किसान और पुलिस प्रशासन आमने सामने हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी किसान अपनी मांगों पर डटे हुए हैं और पूरे जोश के साथ कृषि अध्यादेशों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसी के चलते किसानों ने पीएम मोदी का पुतला दहन किया और उनकी नीतियों के खिलाफ कड़ा विरोध जताया। नई रणनीति के तहत किसानों ने ऐलान किया कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी वह वापस नहीं लौटेंगे। किसानों के प्रदर्शन के चलते लगातार चौथे दिन भी दिल्ली NCR की यातायात व्यवस्था चरमराई हुई है। हर तरफ भीषण जाम लगा हुआ है, जो कि तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। अब देखना होगा कि क्या सरकार किसानों की मांगों को पूरा करेगी या उन्हें बैरंग लौट। दोस्तों, इससे भी बहुत खूबसूरत एक खबर आई, मैं आपको उसके बाद एक वीडियो दिखाऊंगा कि ये तमाम जद्दोजहद के बावजूद वो लोग जो किसानों पे आंसू गैस के गोले छोड़ रहे थे, लाठियां भांज रहे थे, पानी की बौछारें बरसा रहे थे, आखिर उन किसानों ने दोपहर में लंगर लगाया, यानी कि खाने का इंतजाम किया और उन्हीं तमाम पुलिस वाले और आर्मी के जवानों को ये देखें खाना खिलाया। यकीन जाने सबको सलूट करने को दिल चाहता है किसान। मैं चाहता हूँ कि इनके लिए एक लाइक सब लोग जरूर करें, उनका लाइक बनता भी है। आज देखें ये दृश्य, ये नज़ारा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा जो आज देखने को मिला। बहुत प्यार से उन्हें लंच कराया गया और तमाम देखे लाइन से ही पुलिस वाले बैठे हुए। आप वीडियो देखें। विक्रम भाई आयो। हाँ जी, सब्जी जी रात भाई रख दे। नीचे नीचे। अब जो होना था वो भी शुरू हो गया, यानी कि इस पूरे किसान आंदोलन पे राजनीति शुरू हो गई है। अब आप देख रहे होंगे इस वक्त शाम का टाइम है कि कई चैनलों पे डिबेट चल रही है कि किसानों को कौन नुकसान रहा है। कई चैनलों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि ये प्रायोजित थी, यानी कि प्री प्लान्ड है, और कई लोगों ने इसे अफगानिस्तान से भी जोड़ दिया, यानी कि ये पूरा आंदोलन समझना ये चाहिए, डिबेट ये होना चाहिए तमाम चैनलों पर कि किसानों का दर्द क्या है, उनकी तकलीफें क्या हैं। वो ऐसी कड़ाके की सर्दी में जहाँ हम लोग अपने बिस्तर से नहीं निकलते, वो बीच रोड पे पड़े हैं, खासकर वो खुद नहीं, उनके छोटे मासूम बच्चे, उनकी घरों की औरतें, लेकिन हमारे चैनलों पे डिबेट ये हो रही है कि ये प्रायोजित है, इनको उकसाया गया है, इनको चढ़ाया गया है, इनको फंडिंग की गई है, वगैरह वगैरह।
आखिरकार शाम होते होते इस तमाम आंदोलन को तमाम हमारे जो चैनल हैं, जो गोदी मीडिया है, वो ये बताने की कोशिश की रही है ये सारा कुछ कैप्टन अमरिंदर के थ्रू, यानी कि पंजाब के मुख्यमंत्री के थ्रू ये सारा ठीकरा उनके सर फोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन शाम होते होते हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का ये बयान आया है, आप ये बयान सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। दूसरे मुख्यमंत्री को बात कर रहा, आज तक मुझे 6 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं आया। हमने अपने लोगों से भी करते हैं, विरोधी पक्ष के लोगों से भी करते हैं, इवन इससे पहले मेरे से कोई हमारी बात होती है, जब उन्हें फोन मिला कोई व्यस्तता होती है तो घंटे आधे घंटे में बातचीत हो जाती है। उनके ऑफिस के कार्ड होल्डर ये इस आंदोलन के अंदर लोगों का प्रदर्शन करते रहे हैं कि आप इधर आइए, अब आइए, आगे आगे लीड करने वाले उनके ऑफिस के। दोस्तों एक खबर उत्तर प्रदेश से है, उत्तर प्रदेश में यानी कि यूपी में आसमा लगा दिया गया। आसमा एक कानून है जो कि 6 महीने के लगाए, यानी कि कोई भी सरकारी कर्मचारी, पुलिस हो, आर्मी हो, डॉक्टर हो, किसी भी तरह के प्रोटेस्ट ना कर सकते हैं, ना किसी तरह के प्रोटेस्ट में शामिल हो सकते हैं। यूपी में यह कानून 6 महीने के लिए लगाया गया है।